ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं का बहुत समय से ये आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कभी तो पूर्ण होगी। अब ये है हमारा अंतिम जन्म, उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे, मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन पांच विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। ये है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हरेक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए, हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रलब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बात का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। ये है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेयर हेयर यानी वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। और फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। ओम शांति।